जिस तरह आप बैठ गए हैं जिस तरह जम गए हैं मुझे लगता है कि यह सबसे अच्छा समय है जब मैं जानी बैरागी को पुकारूं। अभी मजा नहीं आया आपकी तालियों में जानी के लिए तालियां कम है जब तक हाँ हल्ला नहीं बचा जब तक ए जानिया क्या बात है ये लड़का इतना प्रिय है मुझे और मैं आज इसके लिए सुन आज इसके लिए मैं 11 लाख रुपए का पुरस्कार घोषित करता हूं कुछ मत हो तुझे नहीं मिल रहा ये उस आदमी को मिलेगा जो रात भर में सुनकर यह बताएगा कि जानी बैरागी किस रस का कवि है एक बार जोरदार तालियां बजाइए आप मैं बिल्कुल यथावत हूँ बहुत अच्छा हूँ अच्छी जगह खड़ा हूँ मेरा बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया ग्यारह लाख रुपए का पुरस्कार डॉक्टर साहब ने जैसा कि रखा हुआ है ऐसे ग्यारह लाख के पुरस्कार रखते रखते इनको बीस साल हो गए मेरे पे पैसे किसी को भी नहीं मिले और मैं इनका बहुत विशेष प्रिय हूँ इस बात के लिए ये भी तो, क्या हो रहा है कुछ नहीं वैसे करते रहे वो अपना अपना कार्यक्रम कर रहे हैं तो मेरे को ये पता कि ऐसा करते पर ऐसा नहीं करते <laughs> ये आजकल ऐसा क्यों करने लगे तो मैं खुद पीछे बैठा बैठा समझ रहा था ऐसा तो नहीं होगा पर वाक्य में ऐसा हो रहा है तो ऐसा मत करो भाई ये अब बिल्कुल आवाज सही हो गई है मैं प्रणाम करता हूँ श्रद्धे श्री जगदीश सोलंकी जी साहब को बड़े भैया अतुल कनक जी डाक साहब तेज भाई साहब आशीष भैया और प्यारे दोस्त मेरे बुद्धि प्रकाश जी कविता तिवारी जी और रामबाबू शिकरवार जी जिन्होंने इस कवि सम्मेलन को बहुत शुरुआत की है तो मैं भी ऐसी ही कोशिश करूँगा बहुत कम समय में कोशिश करूँगा कि रन बने और अगर इसके बाद भी रन नहीं बने तो गलती रन की है मेरी नहीं रहेगी <laughs> <laughs> क्योंकि मैं तो रन बनाता ही हूँ पर अब नहीं बन रहा उसका मैं क्या करूँ भाई पीछ भी खराब नहीं है और इसके बाद भी रन नहीं बन रहे तो कई बार ऐसा होता है आदमी दुर्भाग्यशाली होता है कि खानदानी पायलट होने के बाद भी हवाई जहाज दूसरे उड़ा रहे वो क्या करे बेचारा <laughs> भाई को, को, को होता है परंतु तो सामान्य ऐसी बातें हैं ये तो राजस्थान की धरती साढ़े आठ करोड़ का मेला है ये लगभग राष्ट्रीय कोटा दशहरा है हिंदुस्तान का राष्ट्रीय कोटा दशहरा मेला मेरे को बताया बुद्धि प्रकाश जी ने बताया कि जाने भाई यहाँ पे साढ़े आठ करोड़ का इतना बड़ा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मेला और साढ़े आठ करोड़ के इस मेले में हिंदुस्तान के इतने बड़े बड़े कवि आते हैं और हजारों लाखों लोग सुनते हैं लाखों रुपये इन कवियों को मिलता है और फिर ये यह कवि यहाँ पर आकर के ये बताते हैं कि ये राजस्थान है और हम चंबल के तट पर बैठे हुए हैं और आप भी स्वीकार करते हो कि हाँ यार वाक्य में अपन बैठे हुए हैं हमारे <laughs> अतुल भैया ने बताया कि भगवान परशुराम की बहन है चंबल और कुमार भैया ने बताया कि यह बात तो कुमार भैया को भी मालूम नहीं थी अब कुमार भैया को यह बात मालूम नहीं थी इससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाती अब तो इनको यह थोड़ी पता कि रतन कचोरी वाला सात रुपए में एक कचोरी बेचता है, <laughs> <laughs> तो नहीं मालूम है कि रतन कचोरी वाला सात रुपए में एक कचोरी और दस रुपए में दो दे देता है वो तो सबकी जानकारी अलग अलग है अब परशुराम जी की बहन है चंबल तो ठीक है अब उस समय या तो मैं भी पैदा नहीं हुआ और कोई पैदा ही नहीं हुआ तो अपने को कैसे मालूम कि वो परशुराम जी की बहन है चंबल और परशुराम जी आदमी इतने खतरनाक थे अगले आदमी की दादागिरी देखो थोड़ा सा फड़फड़ कराने की मुंडी काट देते थे अगले ने इक्कीस बार काट डाली पृथ्वी पे से यार धरावीन करो निशा इक्कीस बार पृथ्वी में से इस धरती को उन्होंने हिन कर दिया ऐसा कुछ भी नहीं माहौल बहुत अच्छा है हमारे भाई साहब डॉक्टर साहब ने जैसे कि बता दिया कि अब ये कभी कुछ भी बोले ऐसा कुछ भी नहीं है नही आ रही आवाज वो तो मेरे को भी मालूम है आवाज ही नहीं आ रही है पर अब मैं उसका क्या करूं ये आवाज के बारे में ही बोल रहे है? और कुछ बोल रहे यार क्या कर सकते हैं आवाज के बारे में ही बोल रहे हैं तो आवाज आ जाएगी अब नहीं आए तो भी उसका मैं कुछ भी नहीं करता हूं मैं तो वहां से आया हूं जहां पर बहुत आवाज आ रही है इन दिनों और आवाज ही आवाज आ रही है साहब तेज भैया मैं तो ऐसी जगह से आ रहा हूं वो कह रहे कि आवाज नहीं आ रही हमारे यहाँ तो इतनी आवाज आ रही है कि पूछो ही मत जब भी टीवी चालू करो एक ही आवाज आ रही है मोदी जी जन्मदिन पे लाए आठ चीते सुबह से शाम तक आठ चीते आठ चीते दिक्कत ये नहीं है डॉक्टर साहब के चीते आठ हैं। दिक्कत ये है कि उन आठ में पांच मैडम है <laughs> अब एक के मतलब तीन के हिस्से में तीन आ रहे तो दो तो बेचारी यूं ही रह गई वो अब वो जो दो रह गई वो बहुत टेंशन में काबू हमारा क्या क्योंकि तीन ने तो तीन का घर बस गया और अभी फिर एक नई खबर आई मीडिया के द्वारा हाँ। उसमें एक जो आशा मैडम है एक आशा नाम की चीती <laughs> चीती <laughs> आशा नाम की अरे जानी जवाब नहीं दे रहा चीती वो मेरे को मेरे को कुछ भी जानकारी नहीं वो तो मोबाइल वगैरह में देख रहे जो उसका नाम है आशा और वो प्रेगनेंट है एक नई खुशखबरी आई कौनों के जंगल से नई खुशखबरी आई कि वो प्रेग्नेंट है और वो प्रेग्नेंट है जब ये आठ आए तो पांच तेंदुए वहां से निकल के भागे उनको पकड़ा बोले तुम क्यों भाग रहे हो बोले लोग हम पे शंका कर रहे हैं ना यार क्योंकि ये तो अभी अभी आई पता नहीं कहा काला बोकर वा क्या हम ऐसा तो तो नहीं कवि तो हैं है, है, तो है, इतने ही कवि दिया भाई साहब ने राम बाबू जी ने बताया कि आप कुमार विश्वास जी के लिए बैठे हुए और अच्छे सीरियल देखने के लिए विज्ञापन झेलना पड़ते हैं अब ये बात क्या इन्होंने कही क्या डॉक्टर साहब ने हम सब विज्ञापन नहीं हूं नहीं भाई अपने इज्जत अपन खुद ही नहीं कर रहे जबकि मैं नगर निगम को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने दो बड़े स्टार बुलाए एक ये और एक मैं <laughs> नहीं एक शुरुआत का और एक समापन का दो तो आदमी भाई अपने आप को तो बड़ा मानो <laughs> नहीं मानेंगे तो कौन मानेगा अपने को इसलिए मानते रहो बड़ा कोई कुछ भी नहीं है सब और सब प्रेम भाव का माहौल है पूरे देश में सब अच्छा चल रहा है राजनीतिक वे मनुष्यता है सब खत्म हो चुकी है बुद्धि भाई, तो भाई सोलंकी जी साहब हमारे बीच में विराजमान है मैं उनके चरणों को स्पर्श करता हूँ और अब किस किस को <laughs> लो बोलो। तो ये, ये सारी बातें अलग है कि बुझ ही नहीं सकती आग पत्रकार लोग यहाँ पर आगे बैठे हुए हैं और हमारे जो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हमें हमारा पारिश्रमिक मिल गया है सर भी बता रहे थे अनिल भैया भी बड़े भावुक हो रहे थे निशा मुनि वोरादा बोले यार मेरे छोटे से निमंत्रण पर आज कुमार विश्वास कोटा में आए हुए हैं आपको सर इतना भावुक होने की ज़रूरत नहीं है इन्होंने जितने मांगे इतने आपने दे दिया ना आप दे दो तो ये आ जाते हैं कोई बात ही नहीं है और पूरे देश में जा रहे हैं कभी सम्मेलन देश में हो ही रहे कि नहीं हो रहे तो जितना मांगे इतना पैसा दे तो सब फटाफट चले आते हैं कितना ही ट्रैफिक हो तो भी आ जाते बुद्धि प्रकाश जी आए नहीं आए सारे ट्रैफिक को चीरते हुए आ गए यहाँ पे और अगर अलग नहीं होता तो ओरिजिनल में चीर देते ये तो सब आ जाते हैं कुछ भी नहीं सारा सामान्य सी बातें बुझ ही नहीं सकती ये आग हाँ। मैं दूरी बनना नहीं चाहता हूँ हमें बहुत बड़े और अच्छे कवियों को आज सुनना कोटा दशहरे में मैं भी सिर्फ डॉक्टर साहब से मिलने के लिए आया था और आपको प्रणाम मैं, मुझे आपके दर्शन हो गए हालांकि ये दर्शन 10 20 बार कर चुका मैं <laughs> तो एक दो लाइन सर मुझे शुरुआत करना मैंने दो लाइन कही है कि बुझ ही नहीं सकती ये आग मेरा वादा है हां क्योंकि ये लगी हुई कम और फैल गई ज्यादा है आहाहा कोटा में अगर कविता सुन रहे हैं तो आप ताली बजा करके बताइए साहब। अच्छी बात है बुझ ही नहीं सकती बुझ ठीक है भाई साहब अतुल भैया भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है बुझ ही नहीं सकती ये आग मेरा वादा है क्योंकि ये लगी हुई कम और फैलाई गई ज्यादा है इस देश में जब इस तरह से आग फैलाई जाती है तो मैं आपके बीच में फिर एक कविता पढ़ देता हूं इसी तरह की जो कि फैली हुई है और बहुत ज्यादा फैली हुई है हालांकि मैं बिल्कुल भी फैलने की कोशिश नहीं करूंगा मैं अपने आप को समेटने की कोशिश करता हूँ जो मनुष्य समेटता नहीं है वो गीता का विरोधी है मनुष्य को समेटना चाहिए इस देश में जब सारे राजनीति के लोग एक जगह खड़े हो गए अब ना तो देश में कांग्रेस वाले ना बीजेपी सब में इतना प्रेम भाव बन चुका है हमारा मध्य प्रदेश में सरकार किसकी अभी भारतीय जनता पार्टी की बनी कैसे भाई वो इधर से इधर आ रहे हैं कौन किधर जा रहा है कौन किधर आ रहा है सब एक दूसरे में सम्मित हो रहे हैं सब प्रेम भाव से मिले जुल रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है नेता वेता सब बढ़िया चल रहा है सब किसी ने कुछ भी नहीं किया है राम बाबू जी कह रहे थे कि देश में भ्रष्टाचार और बड़े बड़े कोठी कार बंगले कोठी कार बंगले बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है और हमने मेहनत करी है इसलिए ये बनी है और ऐसी मेहनत हम सतत करते रहेंगे आइए सतत मेहनत पे एक और छोटी सी कविता मैं सुना देता हूं कि मैं उम्र में बहुत छोटा था बड़ा खोटा था बड़ा झबरीले कुत्ते को पकड़ना झगड़ना माँ से अकड़ना बहुत सारी टाफिया जेब में भरना यह सब बच्चे के स्वभाव में होता है क्योंकि उस वक्त बच्चे पे किसी का प्रभाव नहीं होता है वाह मैं अकड़े ही अकड़े मेरे पिता की उंगली पकड़े मेरे घर के पीछे मेरा खेत खेत के पीछे मेड़ और मेड़ पर वो पेड़ पेड़ पर बैठे उस पक्षी से कितनी बार हमने उस पिता से पूछा होगा कि पिताजी ये क्या है पिताजी मुस्कुराते हुए कह देते थे बेटा ये कौवा है हम फिर पिता से पूछते थे हमारे बार बार के प्रश्न से पिता कभी नाराज नहीं होते थे हमारे खुशी के झूम जाते थे हम जब तुतलाते हुए बोलते थे तो हमारे मुंह को चूम जाते थे अब हम बड़े हो गए हैं यानी कि अपने पांव पे खड़े हो गए हैं इस देश को इस समाज को बस यही दिखा रहे हैं और जिस पिता ने कभी बोलना सिखाया आज हम उसे चुप रहना सिखा रहे हैं आज उसे हम चुप रहना सिखा रहे हैं बहुत बहुत